नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। माननीय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान के लिए दिए गए आदेशों के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी हमीरपुर महोदय एवं उप आबकारी आयुक्त चित्रकूट धाम प्रभार बांदा महोदय के निर्देशन में बीते दिन को जिला आबकारी अधिकारी हमीरपुर महोदय एवं आबकारी निरीक्षक श्री राजेंद्र कुमार पाठक हमराहियों के साथ कोतवाली राठ के SI श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी एवं उनके हमराह की संयुक्त टीम के द्वारा तहसील राठ जनपद हमीरपुर के ग्राम कुम्हरिया एवं टुंका डेरा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पूजा पत्नी शिव प्रसाद ग्राम टूका डेरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को लगभग 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सरीला तहसील के अंतर्गत सभी शराब के ठेकों पर जांच की गई। वहीं ग्राम छिवौली में डेरा से रंजीता पत्नी योगेश को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ बरामद कर तथा 400 किलो ग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। संवाददाता शिव बालक अनुरागी की रिपोर्ट। आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार दिए गए प्रवर्तनकार के आदेश के लिए कल जो है राठ के टूका और कुम्हरिया में कोतवाली पुलिस राठ के साथ दबिश दी गई। दबिश के दौरान टूका डेरा में पूजा पत्नी शिव प्रसाद के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और उसको गिरफ्तार करके अभियोग पंजीकृत किया गया और कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में छिबौली डेरे में भी दबिश की गई। दबिश के दौरान लगभग 400 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया और 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।